नमस्कार मित्रों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो आज का जानकारी एकदम खास है। आप थंबनेल देखकर आए होंगे तो एकदम सही जगह पर आए हैं। ये कोई संत और ढोंगी साधु और बाबा का है नहीं विषय, ये एक मजबूर किसान का है जो कुछ खास अपनी गलती के चलते प्रॉब्लम में फंसा। आप लोग मेरा वीडियो देखे ही होंगे कि कितना बड़ा मुसीबत में फंसा, 20-22 लाख के कर्जे में गया और उसके बाद तुरंत कर्ज भी मुक्त हो गया। और इतना सारा प्रोग्राम हो रहा है, डेयरी फार्म आप लोग देख ही रहे, सब एकदम सुरक्षित चल रहा है और बहुत सारा कर्ज उतार भी दिया, बहुत कुछ किया 1-2 महीना के अंदर। तो ये सब कैसे संभव हुआ, इस पर पूरा आज का वीडियो है। और पहले चर्चा करने वाला हूँ कि मैंने पहले ही थंबनेल बनाया हूँ कि कर्ज लेकर कोई बिजनेस नहीं चालू करना है। कारण क्या है, कर्ज लेकर बिजनेस क्यों नहीं चालू करना है, ये हमसे पूछ लीजिए क्यों नहीं करना है। आज इसी पर बात होने वाला है, बाकी कोई गायों का जानकारी नहीं है, भले गाय पीछे दिख रही है, लेकिन बिजनेस कोई भी बिजनेस है। मेरा पहले बिजनेस गिन लीजिए, क्या क्या किया हूँ, किस किस में फेल हुआ हूँ, क्या क्या कंडीशन आया है। सबसे पहले मैंने बिजनेस में शुरुआत किया था तो लेथ मशीन का काम शुरू किया था, जिसमें जॉब वर्क करता था। फिर वेल्डिंग का काम किया कुछ दिन, वेल्डिंग मशीन भी मेरे पास आज भी है वेल्डिंग मशीन। और उसके बाद फिर मैंने हवाई चप्पल का, अगरबत्ती का काम चालू किया, जॉब भी किया, बहुत कुछ किया। उसके बाद डेयरी फार्म में घुसा, खेती कर रहा हूँ अभी, डेयरी और खेती में अभी लगा हुआ हूँ दिल से एकदम। तो ये सब चीज़ बार बार मैं हर एक बिजनेस में फेल हुआ, उसका तो कारण एक ही था कि मेरे पास खुद का पूंजी नहीं था, पैसा नहीं था, इसीलिए मैं फेल हुआ। लेकिन फेल होने के बाद इस डेयरी में ऐसा फंसा कि फंसने का मतलब फंस गया, लेकिन निकलने का कोई मौका नहीं था, तो निकला हूँ बहुत मुसीबत से। क्या क्या उपाय किया हूँ वो सभी आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए हमें। तो ऐसी ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी हमारे पास है, क्योंकि किसी पहुँचे हुए आदमी के पास अगर आप जाते हैं तो आपको वो ठगने के चक्कर में रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपना निश्चय बता देता हूँ, अपना अथी बता देता हूँ कि मेरा कोई किसी से 1 रुपये का मतलब लालच नहीं है कि कोई मेरे को मदद करेगा या कोई देगा किसी से, चाहे धोखाधड़ी करके चाहे ठग के लेना है, ये सब कोई मकसद नहीं है। किसी से लेना भी नहीं है, कोई देगा भी तो 1 रुपया किसी का नहीं लेना है। ऊपर वाला हमको बहुत दिया है, आप लोग का सपोर्ट से मिला है, अपने बल पर नहीं मिला है, जो मिला है आप लोग के प्यार से, आशीर्वाद से, आप लोग के सपोर्ट के वजह से मिला है। मेहनत मेरा है, विश्वास मेरा है, बाकी सब कुछ आप लोग का है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कर्ज क्यों नहीं लेना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। कर्ज लेने वाले का मतलब, सबसे पहले जो कर्ज ले लेता है, दुनिया का जितना विपत्ति है जो कर्ज लेता है उसी के ऊपर आता है, ये मैं अपने में मतलब निश्चय कर लिया हूँ, अपने आप पर आजमा लिया हूँ। क्योंकि मैंने कर्ज लिया, जिस दिन से मैंने पहली बार 50,000 रुपया निकाला उसी दिन से मेरा कर्ज लेने का स्थिति शुरू हो गया। उसके बाद से कर्ज लेते 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 आज तक अभी कर्ज ही ले रहा था, 4th महीने 11 तारीख तक कर्ज लेकर ही जी रहा था। लेकिन अब ऊपर वाले का दया, मेहनत से मिला है, प्यार से किसी का मिला है, किसी के सपोर्ट से मिला है, किसी के आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मिला है पैसा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मेहनत करके कमाया हूँ, पैसा जिस रास्ते से आया, ऊपर वाले का दया, आप लोग का दुआ लगा और मेरे को पैसा मिला और इतना बड़ा सपोर्ट हुआ, ताकि मैं आज के डेट में लगभग अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि 50 लाख एक करोड़ रुपया देखूँगा, लेकिन अभी तक मैं 50 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से कर चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं और सब चीज़ जन्मीन चीज़ है, सभी चीज़ गायों के ऊपर ही खर्चा हो रहा है, मेरा कोई निजी नहीं हो रहा है। बाकी पहले तो 20-22 लाख कर्ज में गया है, जो ब्याज एक दिखा रहा हूँ आपको, 50,000 का ब्याज कितना हुआ है, उस टाइप से आप 14 लाख का ब्याज जोड़ लीजिएगा, सभी उसी रेंज में है, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया जो है उसी के रेंज में सब मेरा था। तो कर्ज नहीं लेकर काम शुरू करना है, हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है बिजनेस करना है, और बिजनेस आजकल एक बिजनेस मतलब बहुत आसान तरीके में किसी को भी समझाते हैं या समझ गया है कोई भी, कि अपना स्वयं का रोजगार, नौकरी कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा मजबूरी भी है कि नौकरी कोई नहीं पसंद करेगा, क्योंकि पेमेंट जितना चाहिए मिल नहीं पाता है, महंगाई इतना है, मेंटेन नहीं हो पाता है, तो लोग बिजनेस के पीछे भागते हैं। बिजनेस का एक ही रूल सबको मालूम है कि बिजनेस है, जब आता है तो छप्पर फाड़ के आता है, ये चीज़ सबको मालूम है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है कि जब जाता है तो थप्पड़ मार के जाता है,
बिजनेस में वो भी होता है, छप्पर फाड़ के आता है लेकिन जब जाता है तो थप्पड़ मार के जाता है, ये भी डायलॉग याद रखिएगा, तब बिजनेस कीजिएगा। तो बिजनेस जब शुरू करते हैं तो खुद के किसी का बिजनेस के लिए पैसा होता नहीं है, बहुत 100 में से 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगा के रख के बैठे हैं और लगा रहे हैं, लेकिन बाकी जितने हैं 98 लोग मजबूर है, मेरे जैसे नौकरी कर रहा है कोई, कोई कुछ कर रहा है और अचानक सोचता है बिजनेस करूँ, घर परिवार के साथ रहूँगा और बिजनेस शुरू कर लेता है। बाद में क्या होता है, बिजनेस शुरू करने के बाद बिजनेस में पूंजी लगने लगता है, कोई भी बिजनेस करने के लिए 3 पूंजी होता है, अगर 1 लाख का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 3 लाख होना चाहिए, कायदे सब किसी को भी मालूम होगा। तो ये चीज़ होता है, जब नहीं रहता है तो फिर आदमी किसी से कर्ज लेता है, बैंक से, किसी साहूकार से, किसी से भी मदद मांगता है, रिश्तेदार से, बाद में वो कर्ज क्या होता है, गांड पे फोले पड़ जाता है, वही डायलॉग सेम है, गांड पे फोले पड़ जाता है। कर्ज जिस दिन से आप ले लोगे उसको देने के पीछे आप पागल हो जाओगे, जितना कमाओगे कर्ज में चला जाएगा, बाद में आप आगे तरक्की कर ही ना पाओगे, कितना भी मतलब आप कमा रहे हो बड़ा और कर्ज है आपके पास, तो वो पैसा आपका दिमाग ख़राब करके रखेगा अगर थोड़ा बहुत भी है तो कर्ज भरसक में कोशिश करना है कि कर्ज लेना नहीं है, अगर ले भी लिए हैं आप कर्ज लेकर मुसीबत में फंस गए हैं। बहुत लोगों का आज भी मेरे पास फोन आया है, ऐसे ऐसे दिल दहल जाता है यार, आँख से आंसू आ जाता है लोगों का, अपना दिन मेरा याद आ जाता है यार, पीछे का 2 महीना याद आ जाता है, फिर आंसू आने लगता है आँख से, तो ऐसे ऐसे लोग यार दिल यार ढल जाता है, ऐसे ऐसे लोग आज फोन किए हैं जिनका मतलब लाखों का फार्म बना हुआ है, लाखों का बिजनेस चालू हुआ है और फार्म लाखों का बना के 10-20 लाख रुपया लगा के, और गाय कुछ प्रॉब्लम हुआ उनके साथ भी, मेरे जैसा लोन लेकर गाय सब लोन के पीछे बिक गई, पूरा ज़िंदगी उसी में बर्बाद कर ली अपना 8-10 साल, फिर भी कर्ज नहीं उतरा है, ऐसे ऐसे भी लोग मेरे को कमेंट और वीडियो पर कॉल कर रहे हैं मेरे नंबर पर। तो यार होता है ऐसा, किसी का ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ऐसा भी मजबूरी आ जाता है, फंस जाता है, कर्ज जो ले लेता है उसके पास सारा दुनिया का मजबूरी उसी पर आ जाता है, क्योंकि ये कर्ज ऐसा चीज़ ही है, ये सभी जगह से मुसीबत लाता है। तो पहला नंबर तो कान पकड़ लो यार, बिजनेस खुद का पैसा है तो करो, नहीं तो कर्ज लेकर नहीं करना है, कैमरे पर माखी बैठ गई थी, और कर्ज लेकर नहीं करना है, अगर कर्ज लेकर भी कर लिए हो तो आज उसका एकदम सटीक उपाय, एक पूजा पाठ है मैं लेकर आया हूँ जो खुद आजमाया हूँ, और मेरा आप कंडीशन देख रहे हैं मैं कितना अपने रास्ते पर हूँ, आप लोग देखकर समझ रहे होंगे कि भले कहीं से भी पैसा आ रहा है लेकिन टेंशन मुक्त हूँ, बहुत सारा पैसा मिल रहा है, बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है, और धीरे धीरे इतना मतलब अचानक हो रहा है, सब सोचने वाली बात है। तो ये सब बिना ऊपर वाले के कृपा का नहीं हो सकता, बिना भगवान के आशीर्वाद का हो नहीं सकता, बड़ों बुजुर्गों का दुआ नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। तो एक उपाय लेकर आया हूँ, आज दिन मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है, मैं वो उपाय किया हूँ, आप अब जो बोलना होगा आप बोल सकते हैं, लोग इसमें बुरे भी होंगे जो कमेंट करेंगे कि केवल तो काम धंधा छोड़ दो वही करो पैसा बहुत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अपने मेहनत पर विश्वास है तब जाके कुछ भी कीजिएगा, अपने आप पर जब विश्वास होगा, अपने मेहनत पर विश्वास होगा तो ये काम कीजिएगा, नहीं तो कोई इसका मतलब नहीं है, पहले दिल में विश्वास कर लीजिएगा, ये काम दिमाग से नहीं होने वाला है, दिल से होने वाला है, इस काम को आपको अपना टाइम देना पड़ेगा 10-15 मिनट हर एक मंगलवार को, और पूजा है बजरंग बली का पूजा है, और चलिए आपको अपने बजरंग बली के मंदिर पर ले चलता हूँ, कुआं पर मैं बचपन से ही मंदिर बना कर रखता हूँ, और कौन सा पूजा करता हूँ जिससे मेरा भगवान ने सारा संकट हर लिया, संकट हरने वाले ही है बजरंग बली। तो चलिए अब चलते हैं अपने कुआं के पास और आप लोग को दिखाते हैं, तब तक थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा याद है तब तक पढ़ लेता हूँ। श्री गुरु चरण सरोजन निज मन मकुर सुधारि, रघुबर बर नव विमल जसो, अजो दया कुफल चार बुधिन तनि जानके, आ सुमिरहु पवन कुमार, आ बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, आ हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आ महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो चलिए दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप लोग को बोर हो जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बैक कैमरा कर रहा हूँ और आप लोग को दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने मंदिर पर आ चुका हूँ,
और मेरा वीडियो अगर बोरिंग आप लोग को लगता है, बोर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगले बार से ऐसा वीडियो नहीं बनाऊँगा। लेकिन जो मुसीबत में है वो मैं जो किया हूँ वो काम आप लोग भी करिएगा तो मुसीबत से ज़रूर दूर होंगे। ये कोई मंदिर नहीं है, हमारा खुद का निजी बनाया हुआ, मेरा अपना से बनाया हुआ बजरंगबली का कुएँ के ऊपर मंदिर है। मेरा कुआँ है, इसी पर मंदिर बना के रखा हूँ, शंकर भगवान और बजरंगबली का है। तो विधि जो है वो आप लोग को बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कुछ पीपल का पत्ता है, पीपल का, ये पीपल भी यहीं पर है और ये पीपल का पत्ता है और चमेली का फूल है। फूल चमेली का या ले या गेंदे का लीजिए, कोई भी फूल लेना है, माला कोई भी फूल का आप बना लीजिएगा। और ये पीपल का जो पत्ता है 11 पत्ता लेना है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, कुछ खास चीज़ दिखाई दे रहा है कैमरा में, अगर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए बता दे रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ है श्री राम, ये पत्ते पर श्री राम लिखना है और ये 11 पीपल का पत्ता लेना है और सभी पत्तों पर श्री राम लिखना है। माले के अंदर गूँथ देना है, देखिए कैसे ऐसे गूँथा हुआ है। और हरेक मंगलवार को 11 मंगलवार आपको लगातार लिख के, और दिल में जो भी आपका कर्ज कितना भी हो गया है, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, करोड़ों रुपया, मेरे जैसा कितना भी मुसीबत में हो आप, लेकिन करना है विश्वास के साथ आपको। ये केवल मेरे बोल देने से नहीं हो जाएगा, ये कोई यति नहीं है, किसी संत का मैं सुन के खुद का आजमाया हूँ और बीच में मैं छोड़ दिया था, लेकिन देखिए छोड़ा तो भी कहा गया है कि पूजा अगर दिल से किया जाता है तो सफल होता है। तो हमने इस पूजे को स्टार्ट किया था, खूब विधिवत हम पूजा करते थे अपने ही बजरंग बली के पास, कहीं मंदिर पर जाने का टाइम मेरे को नहीं होता था और यहाँ पर ही दिल में बसा हुआ है, बजरंग बली का भगत हूँ शुरू से ही, तो कृपा है बजरंग बली का मेरे ऊपर। और आज आप लोग देख रहे हैं हमारा सब कुछ सही चल रहा है। 11 पत्ते पर श्री राम लिखना है और माले बना के और बजरंग बली के ऊपर चढ़ा देना है, गले में लगा देना है माला, और माथा अपने को बजरंग बली से बस यही विनती करना है, जो भी कर्ज है, हे महावीर जी कृपा कीजिए और इस कर्ज से मुक्ति दिलाइए। आपका काम 11 मंगलवार आप करेंगे, उसके पहले ही धीरे धीरे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। आप एक बार करके देखिए, कितना भी बड़ा मुसीबत में है तो ये काम करके देखिए। ये एक गरीब किसान का, मजबूर किसान का, जो अपने आप में टूट चुका था, जीवन में कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, ऐसे इंसान का ये मतलब एक हकीकत आजमाया हुआ विधि है। तो आप लोग ज़रूर, कोई अगर ऐसे मुसीबत में है तो आप आजमाइएगा। और मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है, आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए और आप समझिए, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। ये कोई साधु संत मैं नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं हूँ, बार बार ये बताना ज़रूरी है क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और किसी संत के बताए हुए वीडियो के अनुसार मैंने काम ये किया था। आज देखिए, आज मेरे पास जो भी है, गांव में एक शोर सा बन गया है, मेरा नाम सा बन गया है, तो ये सब ऊपर वाले का कृपा है बजरंग बली का। तो ये विधि बहुत लोग मजबूर है, ऐसे ऐसे जो खुद का बिजनेस करके फंसे हैं, नौकरी में फंसे हैं, कर्ज में फंसे हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ही कर्ज हो जाता है, कोई कोई घरेलू मामले में भी कर्ज हो जाता है, तो सभी रोग से मुक्ति मिलेगा, सभी कर्ज से मुक्ति मिलेगा। आप लोग एक बार ये पूजा करना शुरू कर दीजिए और ज़रूर आपको फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, विश्वास के साथ कीजिएगा तो होगा, विश्वास होना चाहिए दिल में कि होगा, क्योंकि हमारा जब हो गया है तो हम मानते हैं, हमारा जब हो गया है तो किसी का भी हो जाएगा, हमसे पापी और हमसे लाचार और हमसे मतलब दुष्ट कोई है ही नहीं, मैं समझता हूँ। बहुत कुछ है मेरे जीवन का बुरा कर्म, जो मैं अपना बुरा ही कर्म के चलते फंसा हूँ, और अभी ऊपर वाले का दया कर्म कुछ सुधार हो गया, बस मैं भी सुधर गया। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आज मंगलवार है तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक कीजिए और आप लोग, भगवान करे बजरंग बली आशीर्वाद लग जाए, हम ब्राह्मण हैं और हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ लग जाए, हमसे भी करोड़ों गुना आगे आप लोग जितने हमारे वीडियो देखने वाले श्रोता है सभी बढ़िए, और भगवान महावीर जी ऐसा कृपा करे, श्री राम जी सभी पर कृपा करे अपना, और किसी को कर्ज में ना डाले, किसी का घर में मुसीबत ना आए, ये हमारा बार बार भगवान के सामने विनती है। और ये हमारा फार्म कुछ दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।